हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू यू मस्ट सब्सक्राइब दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को जब भी स्टडी करें, यू मस्ट स्टडी द होल वीडियोज। आप सभी वीडियोज को पढ़ें। और तो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 0, 2, 4, 6, इस तरह 2n तक चला गया है। इसका एवरेज निकालना है। तो हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6 इस तरह से जो है, ये नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 0, 2, 4, 6 2n तक है, ये हमारा nवां पद है। nवां पद हमारा tn इज इक्वल टू 2n है। और अगर इसके लिए हम आते हैं t1, तो 2 × 1 ये हमारा यहाँ से हो जाता है स्टार्ट। तो ऐसे इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, तो सबसे पहली बात है कि इसको आप ऐसे बनाइए, एपी में ले चल जाइए आप 0, 2, 4, 6, 2n एपी में है सब। तो औसत का हम लोग जानते हैं, ए प्लस एल बाय 2, 0 प्लस 2n, तो ये दो दो कट जाएगा। इस तरह हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 8 है, प्रत्येक संख्या में एक अचर राशि सी जोड़ने पर औसत 16 हो जाता है, तो सी का वैल्यू पूछना है, कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं, देखिए प्रत्येक संख्या में कितना ऐड करेंगे, मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ दे रहा हूँ। जैसे n संख्याओं का औसत, p है, प्रत्येक में q जोड़ने पर नया औसत हो जाएगा p+q। प्रत्येक में q घटाने पर नया औसत p-q। प्रत्येक संख्या को q से मल्टीप्लाई करने पर नया औसत p × q। प्रत्येक संख्या को q से डिवाइड करने पर औसत p/q। तो इस तरह से जितना हम सभी संख्या में ऐड करते हैं, औसत उतना ही बढ़ जाता है। प्रत्येक में जितना घटाते हैं, औसत उतना ही घट जाता है। तो इस तरह स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। आपका जो है औसत 8 है, सभी संख्या में c ऐड किया है, तो हो जाएगा 8+c। 8+c इज इक्वल टू
16, तो C का वैल्यू आ जाएगा 8। इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 54 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा करने पर नया औसत ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ हो जाएगा नया औसत इज इक्वल टू, तो अभी आपने क्या देखा कि औसत 12 है, सभी संख्या को आपने क्या किया, 4 से गुणा किया, हमारा एवरेज भी 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 48 आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं जो मुख्य बात है, जो मेन पॉइंट है, कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करें, स्टडी करें, बिकॉज कि वीडियो के लास्ट का जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, करें 10 संख्याओं का औसत 75 है, पहली संख्या में 4 दूसरी संख्या में 12 बढ़ाने पर शेष प्रत्येक संख्या में कितने की कमी की जाए ताकि शेष अपरिवर्तित रहे, यही क्वेश्चन हम लोग का है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जैसे 10 संख्या हम लोग का है, मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए से लेके जे तक 10 संख्या हो गया, और एवरेज निकालना है, 10 से भाग दे दिया और एवरेज 75 आ गया, 75 आ गया। कारण पहली में इसमें देखिए 4 ऐड किया, इसमें देखिए 12 ऐड किया, तो टोटल टोटल वृद्धि कितना आया, टोटल जो वृद्धि आया 4 प्लस 12 16, 16 बढ़ा है। औसत क्या कह रहा है, औसत कह रहा है कि अपरिवर्तित, एवरेज हमारा ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा कांस्टेंट। औसत कांस्टेंट कब रहेगा, जब आपका ये जो है, जब ए जोड़ बी जोड़ यह कांस्टेंट, तब औसत कांस्टेंट होगा। तो आपका ये कांस्टेंट कब होगा, आपने यहां 4 12 16 बढ़ा है तो 8 संख्या बच गया, तो शेष प्रत्येक में कमी, 16 वृद्धि को खत्म करना है, 8 संख्या बच रहा है, तो इस तरह आंसर हमारा आया। हर संख्या हमें प्रत्येक इच नंबर में जो बाकी बचा है, ये जो है इसमें दो सब में हमको 2 घटा देना है, तो इस तरह से प्रत्येक संख्या में 2 की कमी करनी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे 40 व्यक्ति के समूह में एक आदमी के स्थान पर एक नए आदमी के आने पर औसत वजन 4 केजी बढ़ जाता है, यदि नए व्यक्ति का भार 200 केजी हो तो पहले व्यक्ति का, जो नया आदमी एंट्री हुआ उसका वजन 200 केजी है, और एक आदमी हटा है पहले वाला, उसका वजन पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन इसका होगा, हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, नए व्यक्ति का वजन इज इक्वल टू वाई प्लस एन एक्स। वाई जो है ना,
पहले वाले का वजन आ एक्स जो है औसत वृद्धि आ एन जो है ये नंबर है, ये कितना नंबर है, कितना आदमी है, तो इस फॉर्मूला से अगर वृद्धि होगा, देखिए औसत यहाँ पड़ रहा है 4 kg, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, अगर मान लीजिए 4 kg कमी आता तो यहाँ क्या आता माइनस, तो नए व्यक्ति का वजन आपको इन द क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ 200 लिखा जाएगा और एन कितना आदमी है यहाँ 40, वृद्धि हो रहा है, वाई इक्वल टू 200 में 160 घटेगा, तो इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि एन के किस मान, मैं कहा था आपको कि जो लास्ट का क्वेश्चन होगा वीडियो के लास्ट का क्वेश्चन दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसके ऑप्शंस हैं, ये सॉल्यूशन देखिए, तो जैसे ए बी का जी एम ये एक्चुअल होता है ए और बी का जी एम, ए और बी को गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ए टू दी पावर एन प्लस वन ये दिया हुआ है, ये होता है, दोनों को इक्वल कर दिए, अब हम लोग टेकिंग, अगर ऑप्शंस में बना रहा हूं, मैं एन का वैल्यू माइनस हाफ बैठा दिया, बैठाइए तो माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन और माइनस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर हाफ बी टू दी पावर हाफ और बटा हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस हाफ, ये कैसे लिखाएगा, रूट ए बी ये हो जाएगा रूट ए रूट बी, यहां देखिए माइनस है पावर, ये उल्टा लिखाएगा ऐसे, एक बटा रूट ए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एलसीएम आ जाएगा और ये यहाँ इससे काटेंगे तो ये रूट ए कट जाएगा, रूट बी से काटेंगे तो रूट ए, ये कट के देखिए एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इस तरह से आपका जो ऑप्शन इसमें होगा दैट इज माइनस हाफ, इस तरह से कंप्लीट होता है सॉल्यूशन।